भारत में एक्टिविस्ट कहे जाने वाले लोग जब दंगे भड़काने का काम करते हैं तब भारत में उन्हें लेफ्टिस्ट बनाकर यह दिखाया जाता है कि भारत की सरकार फेसिस्ट है और इन पर जुल्म कर रही है। अपनी इस बात को हम इस वीडियो में अंत तक पूरे फैक्ट और प्रूफ के साथ स्थापित कर देंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 28 अगस्त 2018 को वरवरा राव नाम के एक पोएट को अरेस्ट किया जाता है। ये वही वरवरा राव है जिनको छुड़ाने की बात किसान यूनियन ने आज से कुछ 2 महीने पहले की थी। मगर ये वरवरा राव है कौन, किसान आंदोलन का इनसे क्या संबंध है, ये जानना तो थोड़ा मुश्किल है। वरवरा राव और डॉक्टर सुदर्शन पाल के सीधे संबंध सीपीआई मायाइस्ट पार्टी से हैं। ये दोनों ही पीडीएफआई यानी पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया के फाउंडिंग मेंबर हैं। इस पीडीएफआई की स्थापना सीपीआई मायाइस्ट पार्टी द्वारा की गई थी। सीपीआईएम आए दिन अर्बन नक्सल कहे जाने वाले अनेकों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इनकी बेल और इनके केस के बारे में बात करते रहते हैं। सबका ये मानना है कि इनको भारत की सरकार ने जेल में बिना वजह बंद करके रखा हुआ है, मगर कभी भी ये बात नहीं होती कि ऐसा क्यों हो रहा। वरवरा राव को 2018 में दंगे भड़काने के आरोप में मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था। 1 जनवरी 2018 को पुणे के कोरेगांव भीम विलेज में 200 से अधिक लोग बैटल ऑफ कोरेगांव की 200th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए थे, मगर यहां कई दंगाइयों ने पथराव किए। इससे एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर 2017 को जिन एक्टिविस्ट कहे जाने वाले लोगों को इस पथराव के लिए प्रवोक किया गया था उनमें से एक वरवरा राव भी थे। यानी वरवरा राव ने इन दंगाइयों को प्रवोक किया था हेट स्पीचेस देकर कि वो पथराव करें। इस पथराव में एक नौजवान की जान भी चली गई थी। वरवरा राव पे यूएपीए के साथ नरेंद्र मोदी को असैसिनेट करने के चार्जेस यानी वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट और दंगे भड़काने के चार्जेस भी लगाए गए। 2020 में ये केस एनआईए को सौंप दिया गया, मगर आज यानी 22 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने वरवरा राव को मेडिकल कंडीशन के चलते बेल दे दी, मगर कोर्ट ने कई रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं जिसपे राव को एतराज है। वरवरा राव को मुंबई से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। एनआईए जब चाहे राव से पूछताछ कर सकती है, इनका पासपोर्ट कोर्ट ने जब्त कर लिया है और मीडिया से बात करने की भी अनुमति नहीं है। इस पे किसान यूनियन के अनेकों नेता और लेफ्टिस्ट समाज काफी खुश है इनकी बेल पे, मगर यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली दंगों के समय में उमर खालिद के साथ यही हुआ कि उमर खालिद को एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट बताकर यह जताया गया कि कैसे भारत की सरकार भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जुल्म कर रही है। सफूरा जरगर के साथ यही हुआ और अब वरवरा राव के साथ ही किया जा रहा है। इससे पहले अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो दिशा रवि की उम्र के कारण और उनके भी एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट होने पे एतराज जताया जा रहा था और ये दिखाया जा रहा था कि भारत की सरकार कैसे अपने यंग एक्टिविस्ट को इनके अगेंस्ट FIR कर रही है, इन पे जुल्म कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? खैर, आपकी इस पर क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हर्षद गुलाटी, VFN News, एंड डेमोक्रेसी इज ब्यूटिफुल।